हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बर्फ से ढके वादियों से सजे सुनहरी बौद्ध मूर्तियों और खुशनुमा पर्यटन स्थलों के लिए फेमस उस शहर के जहां दो कूबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। इस शहर में है मैग्नेटिक हिल और दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील। भारत का वो शहर जहां भारतीय कैलेंडर फॉलो नहीं किया जाता। यहां मिलती है बटर टी और मोमोज सूप। आज हम बात करने जा रहे हैं शांत झील, खूबसूरत मठ, ऊबड़ खाबड़ पहाड़, अनगिनत आश्चर्यजनक स्थल, रंग बिरंगे त्योहार और अपनी सजावट के लिए फेमस लेह शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं लेह की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, लेह एक जिला है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। हिमालय से पार तिब्बत के पठार के पश्चिम भाग पर मौजूद लेह 3520 मीटर यानी कि 11,550 फुट की ऊंचाई पर है। ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से लेह से आसमान और तारों को निहारने का जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है जो करीब 45,110 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। मौजूदा समय में लेह की टोटल आबादी सिर्फ 43,000 की है। शहर का सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध, जिसे मानने वालों की संख्या है 43.85%, जबकि 35.37% लोगों के साथ हिंदू इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। वहीं 15.14% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। इतिहासकारों के माने तो लेह में इंसानी बस्तियों के बसने का सिलसिला आज से 2000 साल पहले ही शुरू हो गया था। पहले शहर में सिर्फ बौद्ध और हिंदू लोग ही रहा करते थे, लेकिन फिर 14वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म भी लेह में पहुंचा। बावजूद इसके आज भी यहां बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। शहर प्रमुख भाषा लद्दाखी है। इसके अलावा यहां उर्दू, हिंदी, तिब्बती जैसी भाषाएं भी बोली जाती है। दोस्तों, लेह क्षेत्रफल के मामले में बेशक दूसरा सबसे बड़ा शहर हो, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में ये शहर बहुत ही छोटा है। यहाँ आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 3 लोग ही देखने को मिलेंगे, यानी चारों ओर खाली खाली और शांत माहौल। लेह में कहीं भी खड़े हो जाइए, आपको चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। लेह और लद्दाख को एक साथ पुकारा जाता है, इसीलिए कई लोगों का मानना है कि ये दोनों एक ही है, यानी एक शरीर दो जान। बेसिकली लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया और इसी दरमियान लेह को लद्दाख की राजधानी घोषित कर दिया गया। शहर के इतिहास की बात करें तो तिब्बत, कश्मीर और भारत समेत चीन के बीच सिंधु घाटी के व्यापार मार्गों पर लेह ने सदियों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, लेह को अपनी खूबसूरती के लिए चांद की धरती और भारत माता का ताज कहा जाता है। इस शहर में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित है, इसीलिए यहाँ परंपराएं भी भारत से अनोखी ही देखने को मिलती है। यहाँ महिलाओं और पुरुषों को बराबर समझा जाता है और महिलाएं पुरुषों के हर काम में उनका हाथ बटाती है। वैसे तो लेह की जमीन ये इजाजत नहीं देती कि लोग खेती बाड़ी करके अपना घर चला सके, लेकिन इसके बाद भी यहाँ लोग अपने घरों में या आसपास खाली पड़ी जगहों पर खूब खेती करते हैं। यहाँ गेहूं, जौ, राजमा, तरबूज और खरबूज की खेती सबसे ज्यादा होती है। खेती के अलावा लेह के लोगों में पशुपालन का भी क्रेज है। इस शहर में गाय, भेड़, बकरी, याक जैसे पशुओं को पाला जाता है जो इनके रोजगार का साधन बनते हैं। लेह की वेशभूषा की बात करें तो दोस्तों, ये भारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पुरुष एक खास तरह की पोशाक पहनते हैं जिसे गोंचा कहा जाता है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर को कवर करती है। इसके अलावा महिला हो या पुरुष, सिर पर टीपी या टीबी नाम की एक लंबी सी टोपी पहनी जाती है जो कि लेह की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है। बात अगर महिलाओं की करें तो लेह की महिलाएं आपको सुलमा नाम की पोशाक पहनती है। ये दिखने में जितनी सुंदर होती है उतने ही चटकीले रंग में होती है। यहाँ के लोगों की बात करें तो ये बहुत मिलनसार और शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं के लिए काफी सीरियस होते हैं। लेह के लोगों की मेहमान नवाजी से तो आप खुश हो जाएंगे। लेह को रंग बिरंगे त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है, जहां साल भर अलग अलग त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे हेमिस सेचू, लोसार, फ्यांग सेडूप, साका दावा, माथो, नागरांग, सिंधु दर्शन और लद्दाख महोत्सव। इसके अलावा यहाँ के लोकप्रिय नृत्य है कथोक, चेनमो और चांग। कहने को तो लेह के सेक्स रेशियो का हाल कुछ खास नहीं है, लेकिन दोस्तों, इस शहर में महिलाओं को जागरूक रहना अच्छे से आता है। शायद आप ना जानते हो, लेकिन लेह में 25 साल से कम उम्र की महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें कुंग फू सिखाई जाती है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में अपना बचाव करने की लगभग हर कला सिखाई जाती है इन्हें। लेह के लोगों में खेल कूद को लेकर भी जागरूकता देखी जाती है। ये लोग पोलो और आर्चरी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों के बीच वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट भी पसंद किया जाता है। लेह को दोस्तों धरती की सबसे ठंडी जगहों में शुमार किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा गांव है द्रास, जिसे सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। सर्दियों में लेह का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है, तो वहीं गर्मियों में शहर का
तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि द्रास का टेम्परेचर तो -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन पूरे भारत में जिस कैलेंडर का यूज होता है उसे लेह में फॉलो नहीं किया जाता। जी हाँ, यहाँ का कैलेंडर अलग और दिलचस्प है। यहाँ तिब्बती कैलेंडर को यूज किया जाता है, जिसमें लगातार 2 वर्ष 12 महीने और हर महीने में 30 दिन होते हैं। वेल, अगर आपने लेह की मैग्नेटिक हिल देख ली तो समझ लीजिए आपका पैसा वसूल। जी हाँ दोस्तों, इस शहर में एक चुंबकीय क्षेत्र वाली हिल भी मौजूद है। इस पहाड़ी के पास जाने पर भी ऐसा लगता है मानो आप पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। लेह भले ही ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, बर्फ की चादरों से भरा हुआ हो, लेकिन पशु पक्षियों की ये फेवरेट जगह है। इसे भारत का सफेद रेगिस्तान भी कहा जाता है और लेह बहुत से पक्षियों का घर है। लेह में 220 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखी जाती हैं, जितनी कई दुर्लभ और कई प्रवासी पक्षी भी शामिल है। लेह में ही दोस्तों 2 कूबड़ वाले ऊंट देखने को मिलते हैं, जिनकी सवारी भी की जा सकती है। इनके अलावा हिम तेंदुओं की संख्या लेह सहित पूरे लद्दाख में सबसे ज्यादा मानी जाती है। लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में तो आपको हिम तेंदुए सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे अगर सफेद रेगिस्तान यानी बर्फीले इलाकों की बात हो और याक का नाम न लिया जाए तो कहानी अधूरी रह जाती है। नई लेह में याक की कमी नहीं है दोस्तों। वाइन तो आपने कई पी होंगे, लेकिन कभी लेह की वाइन पीकर देखिए, आप लगभग हर शराब का स्वाद भूल जाएंगे। लेह की शराब को छांग कहकर पुकारते हैं, जिसे सेब और दूसरे सामग्री के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। वैसे कभी आपने मोमोज सूप खाए हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये मोमोज लेह में ही मिलते हैं। इन्हें यहाँ मोकथूक कहा जाता है। इनका स्वाद बड़ा ही जायकेदार होता है, जिन्हें कई तरह के सूप्स के साथ तैयार किया जाता है। खाने में मोकथूक के अलावा आप यहाँ थुपा, मोमो, टिंगमो, छुटकी का स्वाद ले सकते हैं। वैसे अगर आप टी लवर हैं तो ये शहर आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आने वाला है, क्योंकि लेह में एक खास तरह की चाय मिलती है, जिसे बटर चाय कहते हैं। साथ ही ड्रिंक में आप चांग भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, लेह में जाने का सपना हर कोई देखता है, फिर चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशी। हर कोई जिंदगी में एक बार ही सही लेह की खूबसूरती अपनी आंखों और कैमरों में कैद करना चाहता है। हालांकि यहाँ पहुँचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि लेह में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। फिर चाहे आप भारतीय हो या विदेशी, बिना इनर लाइन परमिट के आप लेह में नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को इस परमिट की जरूरत नहीं होती है। साथ ही अगर आपके साथ कोई 12 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे भी इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी लेह में घूमने आने वाले लोगों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है। साल 2022 में यहाँ लगभग 4.5 लाख पर्यटक लेह में घूमने के लिए आए थे। यहाँ की सड़कों पर राइडिंग करना तो जैसे हर सैलानी का सपना होता है। साल 2023 में लेह में 6 से 7 लाख पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे, यानी हर साल 1 लाख लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब वैसे तो पूरा लेह ही घूमने के लिए शानदार शहर है, जहाँ आप सबसे ऊंची बस्ती से लेकर झील, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। लेकिन लेह में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है लेह पैलेस, जिसे लेह की छत कहकर पुकारा जाता है। कहते हैं कि इस महल का निर्माण 1600 ईस्वी में नामग्याल राजा द्वारा करवाया गया। 9 मंजिला ये इमारत लेह की शान है। इस महल के ऊपर खड़े होकर आप पूरे लेह शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। ये पैलेस जितना आकर्षक है उतना ही खास। यहाँ की वास्तुकला, लेह से अगर आप 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं तो आप पहुंच सकते हैं शे मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री में एक अलग ही लेवल की शांति और आकर्षण देखने को मिलता है, जिसका अंदाजा आप घर बैठे तो कतई नहीं लगा सकते। वेल, तीसरी सबसे शानदार जगह है थिक्से मॉनेस्ट्री, जिसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। ये मॉनेस्ट्री 12 मंजिला जितनी ऊंची है और आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज भी इस मॉनेस्ट्री में 500 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के बीच मॉनेस्ट्री की वास्तुकला देखने का मजा ही अलग है। 14वीं शताब्दी में बनी डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री भी लेह की सबसे खास जगह है, जहां आप न सिर्फ घूम सकते हैं बल्कि 106 फीट ऊंची भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी देख सकते हैं। ये प्रतिमा वाकई बेहद आकर्षक है और इसे भी गोल्डन रंग में रंगा गया है। दोस्तों, 1983 से 1991 के बीच में लेह में बौद्ध तथा जापानियों द्वारा मिलकर एक शांति स्तूप का निर्माण भी करवाया गया था। ये स्तूप आज के समय में आपको लेह की पहाड़ियों के बीच एक टाउन में देखने को मिलेगा, जिसे देखना बेहद आकर्षक होता है। साथ ही आप दुनिया के एक ऊंचे पास को भी विजिट कर सकते हैं, जो लेह के पास में ही स्थित है। इस पास का नाम है मासर मिकला। लेह में ही आप सिंध और जांसकर नदी का संगम देख सकते हैं, और जांसकर नदी के ऊपर तो आप चल भी सकते हैं। दरअसल नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जांसकर नदी के ऊपर पूरी तरफ से बर्फ जम जाती है और इसी जमी हुई बर्फ के ऊपर लोग चलते हैं, बर्फ का आनंद लेते हैं और दूसरी एक्टिविटीज भी करते हैं। राफ्टिंग के लिए तो लेह एक आदर्श स्थल है, जहां ऊंची उथल पुथल से भरी पहाड़ियां राफ्टिंग का अनोखा मजा देती है। साथ ही आप 3 इडियट मूवी का लास्ट सीन जहां शूट हुआ था वहां भी जा सकते।
सकते हैं। जी हम बात कर रहे हैं पैंगोंग झील की, जो दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। तो दोस्तों ये थी लेह शहर के बारे में सभी रोचक जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और लेह के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी ये हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।